क्रिकेट की एक मजेदार अपडेट के साथ में हम आपके सामने हाजिर है। आज हम आपको बताएंगे दोस्तों कि वो 12 खिलाड़ी जिन्होंने अपने पहले ही मुकाबले में, पहले ही डेब्यू मैच में ओडीआई के 100 रन ठोक दिए, वो कौन से खिलाड़ी हैं, कौन से कंट्री से खेलते हैं और कौन से साल में उन्होंने अपना डेब्यू किया, पहला मुकाबला खेला और कितने रन बनाए उन्होंने, ये सारी बातें करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में जरा भी हम टाइम पास नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलेंगे अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहला जो नाम आता है इंडिया की तरफ से केएल राहुल का। केएल राहुल ने अपना पहला मुकाबला ओडीआई खेला था 2016 में और अपने पहले ही मुकाबले में उन्होंने 100 रन बनाया। इस तरीके से पहले ही मुकाबले में डेब्यू मैच में वो 100 करने में उनका भी नाम इस लिस्ट में आ गया। और नंबर दो पे आ जाते हैं 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हॉक्स ने पहले ही मैच में अपने 112 रन मारकर अपना डेब्यू मुकाबले में 100 बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम पर कर लिया। और तीसरे जो प्लेयर आते हैं वो मार्टिन गोप्टल, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी गोप्टल ने भी 2009 में अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी ओडीआई में और पहले ही मुकाबले में 122 रन मारकर इन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम भी दर्ज कर लिया ओडीआई में पहले मुकाबले में सेंचुरी लगाने का। और चौथे नंबर पे 2016 में साउथ अफ्रीका के खतरनाक ओपनर खिलाड़ी और उस टीम के कप्तान भी बमोमा, उन्होंने ओपनिंग में ही आकर पहले ही मुकाबले में 113 रन बनाकर अपने नाम पर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। और चौथे पांचवें नंबर पर आ जाते हैं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी 2016 में जिनका डेब्यू होता है चैंपियन, जिन्होंने पहले ही मुकाबले में 124 रन मारकर अपने पहले ही डेब्यू मैच को काफ़ी शानदार बना दिया। और छठे नंबर पर आ जाते हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी, पाकिस्तान के इमामुल हक, जो पहले ही मुकाबले में अपने 100 रन बनाते हैं, 2017 में इनका डेब्यू होता है ओडीआई में और पहले ही मुकाबले में 100 रन ठोक देते हैं। और नंबर सात पर आ जाते हैं रहमतुल्ला गुरबाज, अफगानिस्तान के काफ़ी अच्छे ओपनर और काफ़ी अच्छे इंसान, जो पहले ही मुकाबले में अपने 127 रन मारते हैं डेब्यू मुकाबले में, अपने पहले ही मुकाबले में 2021 में इनका डेब्यू होता है और पहले ही मुकाबले में 127 रन मारते हैं। और 2019 में पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू करते हुए आदिल अली पहले ही मुकाबले में 112 रन मारते हैं। आठवें नंबर पर आ जाते हैं आदिल अली। और नौवें नंबर पर आ जाते हैं जिम्बाब्वे के खिलाड़ी एंड्री फ्लावर, जिन्होंने जिनका डेब्यू होता है 1992 में इनका डेब्यू होता है और पहले ही मुकाबले में 115 रन मारते हैं अपने पहले ही मुकाबले में। और नंबर 10 पर आ जाते हैं साउथ अफ्रीका खिलाड़ी जिनका डेब्यू होता है 2010 में, इंग्रम, जिन्होंने पहले ही मुकाबले में अपने 124 रन बनाकर अपना भी नाम इस रिकॉर्ड में डाल दिया। और नंबर 11 पर आ जाते हैं साउथ अफ्रीका के ही खिलाड़ी हेंड्रिक, जिन्होंने पहले ही मुकाबले में अपने 2018 में इनका डेब्यू होता है और पहले ही मुकाबले में 102 रन बनाकर अपना नाम इस लिस्ट में लिखा लेते हैं। और नंबर 12 पे आ जाते हैं सबसे सीनियर खिलाड़ी, वेस्ट इंडीज़ की तरफ से 1978 में डेब्यू किया उन्होंने और अपने पहले ही मुकाबले में 148 रन बनाया इन्होंने, ड्रेन हैनर्स, जिन्होंने पहले ही मुकाबले में अपने 148 रन बनाकर इस रिकॉर्ड की शुरुआत की, पहले इंसान जो डेब्यू मैच में 148 रन बनाते हैं। इस तरीके से 12 खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने डेब्यू में 100 और 100 से प्लस स्कोर किया। 12 खिलाड़ी अलग अलग कंट्री से, कौन सा खिलाड़ी है जो आपको पसंद है? इसमें से कई खिलाड़ी हैं जो अभी भी खेल रहे हैं और कई खिलाड़ी इसमें से रिटायर हो चुके हैं। तो आपको कौन सा प्लेयर इसमें सबसे ज़्यादा पसंद है, जिसकी बैटिंग आपको अच्छी लगती है, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हो, वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको स्पोर्ट्स की नॉलेज चाहिए या फिर स्पोर्ट्स आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना दोस्तों, क्योंकि हम इसी तरीके के वीडियो अपने चैनल पर डालते रहते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटिव, क्रिकेट से रिलेटिव अपडेट अपने चैनल पर डालते रहते हैं। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।